पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 0 to 1 years। 0 का मतलब होता है कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं कि 12th कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एयरलाइन में 12th बेसिस पे मेल फीमेल के लिए, फ्रेशर एक्सपीरियंस के लिए इंडिया में कोई भी कहीं से भी हो अप्लाई कर सकता है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि इंडिगो एयरलाइंस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिज्यूम और कवर लेटर चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास रिज्यूम या कवर लेटर नहीं है तो ये जो देख पा रहे हैं आप व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से 169 रुपीज में आपको रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाएगा। दोस्तों एयरलाइन एयरपोर्ट सेक्टर का अगर ये वीडियो जो कि अभी आप देख रहे हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा भी अट्रैक्ट करता है, आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पर इस फ्लाइट के आसपास अंदर जाकर बाहर जाकर ये जो एयरपोर्ट की टर्मिनल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनके आसपास ये जो फ्लाइट्स हैं इनके बारे में जानना समझना चाहते हैं, तो आप मेरे 18 सालों के एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं। आज का ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए, आई गारंटी यू इसमें हर किसी के लिए वैकेंसी का अपडेट है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, यानी कि मेल हो, फीमेल हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, इंडिया में किसी भी कोने से हो, आपकी अगर इच्छा है कि एयरपोर्ट पे जॉब पाया जाए, आपकी इच्छा है, आपकी खोज है कि आपको जॉब मिले, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। वीडियो अगर काम का लगेगा लाइक कर दीजिएगा, और किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करता हूं और बात करता हूं आज की इस वैकेंसी के बारे में, जहां पर मैं आपको इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू और उसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में अपडेट दूंगा। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत लोग, चाहे मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह मेरी आईडी है फ्लाई एयर एकेडमी, अगर आपने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो वहां पर आप लोग अपने घर के आसपास जो एयरपोर्ट है उसके रिगार्डिंग वैकेंसी का अपडेट चाहते हैं या मांगते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, 2004 यानी कि 2004 में जब मुझे जॉब मिली, उस वक्त मैं अपने घर से लगभग 900 किलोमीटर दूर दिल्ली में आकर जॉब लिया। उस वक्त मुझे दिल्ली के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मैं आया, यहाँ पर जॉब लिया और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आगे जाकर मुझे अपने घर के पास भी जो एयरपोर्ट है वहां जाने का मौका मिला। तो आप में से वो लोग जो कि अपने घर के आसपास चाहते हैं, अगर डायरेक्टली आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो इंडिया में कहीं भी मौका मिले तो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनती है, ऊपर वाला चाहेगा और आप कोशिश करेंगे तो जरूर बात बन जाएगी। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक एयरपोर्ट का सीन है, ये फ्लाइट आपको टेक ऑफ कर रही है, यहाँ पर फ्लाइट लैंड कर रही है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप पूरा करना चाहते हैं, सच करना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। फ्रेंड्स आज की जो वैकेंसी है जिसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो है मेंडिस एविएशन बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल। अब आप में से कुछ लोग यहाँ पर जरूर दो बात सोचेंगे, यार पहली बात तो ये क्या है, कार्गो का है, और दूसरी बात ये जो है ये आपको बैंगलोर का है। सो फ्रेंड्स कार्गो का एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आता है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है पहली बात, और जैसा मैंने बताया बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना मत सोचिए, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप कोशिश जरूर कीजिए। इस वैकेंसी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आ रखी है, जो सोशल मीडिया पे जो डिटेल्स चल रहे हैं, मैंने उसी को लेकर यहां पर दिखाने की कोशिश की है, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस तरह से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी ली जाती है। तो दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं क्यूआर कोड, यहां से आप स्कैन करके डायरेक्ट इसके अप्लाई लिंक पे जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले कौन कौन से पोजीशंस हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेना जरूरी है। पोजीशन की तो दोस्तों जो पहली वैकेंसी दिख रही है ये है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, दूसरी दिख रही है सिक्योरिटी एक्सक्यूटिव, तीसरी दिख रही है कार्गो एक्सक्यूटिव, चौथी दिख रही है फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर, और पांचवी दिख रही है कार्गो वेयरहाउस सुपरवाइजर। तो दोस्तों इनमें से किसी में भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हमेशा एक बात कहता हूं, किसी भी तरह से करके एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले लीजिए, बस फ्रॉड और फेक के तरीके से मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपकी वहां पर एंट्री हो भी जाती है तो दोस्तों वो किसी काम का नहीं होता है, पता लगने पर वो लोग आपसे दोबारा पैसे की मांग करते हैं, करने धमका कर कि आपका जॉब छुड़वा देंगे, और दूसरी बात है आपके पैसे भी चले जाते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना होता है, फिलअप करने के बाद आपका डिटेल चला जाता है उस कंपनी के पास, कंपनी के लोग आपके डिटेल्स को चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि अगर आपका डिटेल आप उनके काम के हैं तो वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे कंफर्म करते हैं, बताते हैं कि अगला प्रोसेस क्या है।
यहाँ पर सबसे ऊपर दोस्तों लिंक है और ये लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नीचे आएंगे देख पा रहे हैं आप वी आर हायरिंग एट मेंजिस एविएशन बेंगलुरु प्राइवेट लिमिटेड, काफी अच्छी कंपनी, काफी पुरानी कंपनी है, बहुत बेहतर कंपनी है। नीचे आएंगे तो क्या है डिटेल्स में, सबसे पहले आपको आपका नाम डाल देना है, नाम पूरा डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अभय कुमार पांडे है तो मैंने अभय कुमार पांडे यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आपकी जो वर्किंग ईमेल आईडी है, वर्किंग ईमेल आईडी का मतलब होता है जो ईमेल आईडी अभी आप यूज कर रहे हैं जिसपे आपका कम्युनिकेशन होता है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। नीचे आप यहाँ पर आइए, कॉन्टेक्ट नंबर में आपको आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है। एक्सपीरियंस पूछ रहा है टोटल एक्सपीरियंस इन कार्गो हैंडलिंग इन ईयर्स। अब आप बोलेंगे कि इतना कुछ तो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 0 to 1 years। 0 का मतलब होता है कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर फ्रेशर हैं तो सबसे ऊपर वाले में क्लिक कर दीजिए और नहीं तो नीचे जो भी आपके लिए सुटेबल है आप वहां पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, नीचे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं कि 12th कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एयरलाइन में 12th बेसिस पे मेल फीमेल के लिए, फ्रेशर एक्सपीरियंस के लिए इंडिया में कोई भी कहीं से भी हो अप्लाई कर सकता है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 12th है तो 12th डाल दीजिए, ग्रेजुएट या फिर अबव ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। यहाँ पर क्या पूछता है, आर यू रेडी टू ज्वाइन विद इन 30 days, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप 30 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। तो आप में से वो लोग जो कि फ्रेशर्स हैं आप यहां पर यस पे क्लिक कर दीजिए, और वो लोग जो कि कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप अपने कंपनी के टर्म्स कंडीशंस को देखिए। जब आपने ज्वाइन किया होगा, जो आपने ज्वाइनिंग लेटर पे साइन किया होगा, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स होंगे उनको चेक कीजिए। हर कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रोफाइल के ऊपर कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे आपको ये बताया जाता है कि पर लिखा होता है कि अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो नोटिस पीरियड कितना होगा। मेरे समझ से आप सभी को यहाँ पर यस कर देना चाहिए। इसके बाद आप नीचे आइए दोस्तों, Which position are you applying for? यानी कि कौन से position के लिए आप apply कर रहे हैं, Safety and Security, Operations या फिर Support Function में HR, Finance, IT, Maintenance या फिर Admin। इनमें से किसी के लिए भी अभी जो आप देख पा रहे हैं इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप जिस किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं आप उस पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आप यहां पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद जैसा मैंने बताया आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास, और कंपनी के HR, कंपनी की टीम इसे चेक करती है, और अगर आपका डिटेल उनके काम का लगता है तो वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम केसेस में आपकी ईमेल आईडी पे। मेंजिस एविएशन की इस वैकेंसी के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस में अभी के टाइम में जो ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू की वैकेंसीज हैं उनके बारे में। फटाफट हम नीचे चलते हैं दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं, नहीं है तो आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को जाकर देखिए, 2-3 आपको वहां से डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के टाइम में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 27 सितंबर को जयपुर राजस्थान में, उसी दिन 27 सितंबर को कोलकाता वेस्ट बंगाल में, वंस अगेन उसी दिन दोस्तों आपको 27 को महाराष्ट्र पुणे में ये वैकेंसी है, 28 सितंबर को दो जगह वैकेंसी दिख रही है, पहली है नोएडा उत्तर प्रदेश और दूसरी है आसाम। जो अगली वैकेंसी है 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर को दोस्तों ये आपको दिख रही है लखनऊ उत्तर प्रदेश, और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं अमृतसर पंजाब में कैबिन क्रू की वैकेंसी है। इंडिगो एयरलाइंस में अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात आप फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए, आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिमेनिंग डिटेल्स आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, चेक कर लीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे आएंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मैं इनको छोड़ता हूं, आप इसे चेक कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। सबसे नीचे आते हैं दोस्तों, सबसे नीचे आते हैं तो एक वैकेंसी दिख रही है जो कि अभी लेटेस्ट में अपडेट हुई है। थोड़ा सा और मैं नीचे आता हूँ। यस दोस्तों, ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये है 30 सितंबर को बेंगलुरु में ये वैकेंसी है। डिटेल्स आप इसका देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। एक बात ध्यान देने की है कि इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इस वैकेंसी के लिए अपीयर हो सकते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा। बात करें केबिन क्रू या फिर बात करें ग्राउंड स्टाफ की, दोनों में जाने से पहले आपको अप्लाई कर लेना होता है। अप्लाई करने का लिंक और किस तरह से अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। एक बात ध्यान देने की है कि इंडिगो एयरलाइंस में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिज्यूम और कवर लेटर चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास रिज्यूम या कवर लेटर नहीं है तो ये जो देख पा रहे हैं आप व्हाट्सएप नंबर, यहां से 169 रुपीज में आपको रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाएगा। वीडियो काम का लगा, मेरी बातें सही लगती है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और हाँ,
फ्रॉड से बचकर रहिए, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब का प्रोसेस बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि काफी धमाकेदार है। बेस्ट ऑफ लक।